पहली बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबीवी सुप्रीमो शरद पवार भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। उन्होंने 2020 में भी बुलाया गया था उन्हें, लेकिन वो नहीं गए थे। एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने का दिया आदेश। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से है संकट में घिरे समीर वानखड़े, मुंबई पुलिस ने भेजा समन, हाई कोर्ट ने रद्द की याचिका। टीवी इंडस्ट्रीज में आपको बता दें, सबके दिलों पर राज करने वाले गुरमीत चौधरी मुंबई में कर चुके हैं वॉचमैन की नौकरी। विवादों में फंसी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, महाराष्ट्र के विधायक ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक कास्टिंग डायरेक्टर और एक कैमरामैन सहित चार पुलिस हिरासत में। केंद्र की मोदी सरकार देश भर में बुलेट ट्रेन का जाल बिछाने जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे समेत 7 रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। काठियावाड़ी समुदाय को बदनाम कर रही है आलिया भट्ट की फिल्म के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, कमाठीपुरा के लोग भी नाराज।